नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे घर में छोटी छोटी परेशानियों के बारे में। आपके घर में जाले बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, धूल बहुत ज़्यादा आती है, पेड़ जो होते हैं वो फलते फूलते नहीं हैं, तो इन समस्याओं का किस तरह से करें समाधान, इस पर पंडित जी से विस्तार में करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। सप्ताह में एक दिन अपने सारे परिवार के लोगों के साथ, जितने लोग भी आपके साथ रहते हों, कोई संयुक्त पूजा, कोई ज्वाइंट पूजा जरूर करिए। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लीजिए, सुंदर कांड का पाठ कर लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, सब लोग मिलकर के एक साथ आरती कर लें। अगर सप्ताह में एक दिन भी ऐसा करते हैं तो इससे परिवार में समृद्धि और खुशहाली दोनों बनी रहेगी। समृद्धि भी रहेगी, खुशहाली भी रहेगी और परिवार के सदस्यों में प्रेम भी रहेगा। और आइए अब जान लेते हैं 25 अप्रैल 2024 यानी कि बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है। दिनांक 25 अप्रैल 2024 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, सुबह 6:45 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 8:01 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम पंडित जी से जानेंगे कि अगर किसी के घर में सीलन आने लगे तो उसका उसके भाग्य पर क्या असर पड़ता है। जी देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि आपके घर में आने वाले अलग अलग संकेत आपके भविष्य के लिए कैसा इशारा कर रहे हैं। अगर आपके घर में सीलन आने लगती है दीवारों पर, छत पर, तो ये क्या सूचना देती है? घर में अचानक सीलन अगर आने लगे तो समझना चाहिए कि शनि की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। शनि निगेटिव हो जाए तो घर में सीलन आनी शुरू हो जाती है, और अगर ऐसा होगा तो घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा। मुकदमेबाजी और कर्जों की नौबत आ जाएगी। बिना कारण के मानसिक तनाव बढ़ेगा। आप अपने घर में एक भारीपन, एक तनाव निरंतर महसूस करेंगे और निरंतर ये दिक्कत आपको परेशान करेगी। सीलन आने का मतलब है कि शनि का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, एक तो अपने घर में पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए कि आपके घर में सूर्य का पर्याप्त प्रकाश आता रहे। घर की जो महिलाएं हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए, उनको सम्मान दीजिए, उनकी देखभाल करिए। रोज सुबह और शाम को पूजा स्थान पर दीपक जलाइए। घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक जलाएं और प्रार्थना करें, निश्चित रूप से आपके घर में शुभता बढ़ेगी। और सीलन का जल्दी से जल्दी उपाय करवाएं
क्योंकि जितनी ये गहरी होती जाएगी उतनी मुश्किलें आपकी बढ़ सकती हैं। और आइए अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, नया काम कर सकते हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी, कर्ज के मामलों में सावधानी रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं कि अगर आपके घर में धूल ज्यादा हो गई हो, बहुत बार सफाई करने के बावजूद भी घर में धूल आ रही हो, तो उसका आपके भाग्य पर क्या असर पड़ता है। बहुत सारे लोगों के घर में धूल बहुत ज्यादा आती है, खूब सफाई होती है, खूब पोंछा लगता है, खूब झाड़ू लगता है, लेकिन घर में धूल ज्यादा रहती है। घर में धूल का ज्यादा होना किस बात की सूचना है? धूल और मिट्टी मुख्य रूप से मंगल से संबंध रखती है। धूल मिट्टी का संबंध मंगल से होता है। घर में थोड़ी बहुत अगर धूल आए तो ये बुरा नहीं है, थोड़ी बहुत धूल तो हो सकती है, लेकिन घर में ज्यादा धूल आने लगे तो ये आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। अगर घर में धूल मिट्टी ज्यादा आएगी, इसका मतलब मंगल निगेटिवली नकारात्मक रूप से प्रभाव डाल रहा है, और जिन घरों में धूल मिट्टी ज्यादा होगी इसके कारण परिवार में मतभेद होंगे, भाई भाई में तनाव होगा, परिवार में अलगाव की नौबत आ जाएगी, घर के लोगों में कलेश बढ़ने लगेगा, और कभी कभी घर के लोगों में रक्त संबंधी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होने की संभावना बन जाती है। तो मुख्य बात आप ये समझिए कि अगर आपके घर में धूल बहुत आती है तो ये अशांति की सूचना है, मंगल के खराब होने की सूचना है। ऐसे में घर का माहौल, घर की स्थितियां बिल्कुल बेहतर नहीं रहेंगी। क्या उपाय करना चाहिए? एक तो घर में जब भी पोंछा होगा
पानी में नमक मिला करके, जल में नमक मिला करके पोंछा लगाइए। हर मंगलवार को शाम के समय अपने घर में सुंदर कांड का पाठ करिए। इस दिन अपने घर में मीठी चीज का भोग हनुमान जी को लगाइए, यानी मंगलवार को शाम को हनुमान जी को मीठी चीज का भोग लगाइए, सुंदर कांड का पाठ करिए। जो आपके घर में मंगल की स्थिति नकारात्मक हो गई है, वो स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। और आइए अब जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, करियर के निर्णयों में इस समय सावधानी रखें, मानसिक स्थिति का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में मंगल कार्य होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं, मुश्किलें थोड़ी कम होंगी, धन लाभ के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब देखते हैं आज का पहला सवाल पंडित जी को किसने भेजा है। आज का पहला प्रश्न अजय अग्रवाल जी ने हमें लिखा है, हरदोई से लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 2 अक्टूबर 1996, मध्य रात्रि में 12:20, जन्मस्थान है हरदोई उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि बेटी की शादी पहले की थी, शादी टूट चुकी है, और अब आगे बेटी के सेटलमेंट के लिए दूसरा विवाह करना चाहते हैं, तो दूसरा विवाह पुत्री का कब होगा और कैसा रहेगा। दूसरा ये पूछ रहे हैं कि पुरानी शादी के कपड़े रखे हुए हैं, एल्बम रखा हुआ है, उसका क्या करना चाहिए। देखिए अजय जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आप अपनी पुत्री के विवाह के लिए अभी से प्रयत्न करिए, और अगर आप अपनी पुत्री के विवाह के लिए अभी से प्रयत्न करते हैं तो इस साल के अंत में उनका विवाह नवंबर दिसंबर के महीने में निश्चित रूप से हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि दूसरा विवाह इनका सफल होगा, सुखी रहेगा, दूसरे विवाह में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। तीसरी बात यह है कि शादी, पुरानी शादी के जो कपड़े हैं उन्हें धो करके किसी निर्धन को या वैसे ही बांट दीजिए,
और पुरानी शादी के जो एल्बम हैं उन्हें या तो जल प्रवाहित कर दें नष्ट करके, या तो उन्हें हटा दें, क्योंकि जब तक वो घर में रहेंगे तब तक दूसरा विवाह होने में अड़चन आएगी। फिलहाल आप अपनी पुत्री को एक ओपल बनवा के पहना दें, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके इनको पहनाएं और दूसरा इनको बोलें कि रोज सुबह और रोज शाम नमः शिवाय का 108 बार जप करें तो इनके लिए उत्तम होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और चलिए अब देखते हैं आज का दूसरा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी अगला प्रश्न निशांत सिंह जी ने हमें लिखा है और निशांत सिंह जी हमें रांची से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 अगस्त 1990। जन्म का समय मध्य रात्रि में 1:30 और जन्म स्थान है रांची। निशांत जी कह रहे हैं कि मैं अभी प्रॉपर्टी से संबंधित काम करता हूं, लेकिन कुछ दिनों से मेरा पैसा फंस गया है और काम में उन्नति नहीं हो पा रही है, तो मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे मुझे धन की प्राप्ति हो और मेरी काम में उन्नति हो। निशांत जी आपकी कुंडली ये कहती है कि आने वाला समय आपका अच्छा है, आने वाले समय में आप तरक्की करेंगे, प्रॉपर्टी, जमीन, कंस्ट्रक्शन, ऐसा व्यापार करना आपके लिए अच्छा है। फंसे हुए पैसे आपके जुलाई के महीने से धीरे धीरे निकलने शुरू हो जाएंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। और आने वाले समय में आपका काम भी काफी बेहतर होगा, जिसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करने से लाभ होगा। और रोज सुबह शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक, संकट मोचन हनुमानाष्टक, इसका नित्य प्रातः और नित्य सायंकाल अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और आइए अब जानते हैं पंडित जी से कि अगर आपके घर में बहुत ज्यादा जाले हो जाते हैं, बार बार सफाई करने के बाद भी जाले लग जाते हैं, तो इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है? बहुत सारे लोगों के घर में जाले लटके रहते हैं, कमरे के कोने में, छत पर जाले बने रहते हैं, जाले लगे रहते हैं। तो घर में जालों का बहुत ज्यादा होना क्या सूचना देता है? घर में जाले ज्यादा हों तो समझना चाहिए कि घर में नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी ज्यादा है। जिन घरों में नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा होगी वहां पर जाले ज्यादा लगेंगे। ऐसी दशा में घर में आर्थिक नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जिन घरों में जाले बहुत ज्यादा होते हैं वहां पर पैसों का नुकसान बहुत होता है। आकस्मिक रूप से घटनाएं घटती हैं, जीवन में दुर्घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं, अनावश्यक धन की बर्बादी भी होने लगती है और घर के लोगों का स्वास्थ्य खराब होने लगता है। घर में जालों का सीधा मतलब ये है कि आपके घर में बेवजह के पैसों का नुकसान होगा, बेवजह के पैसों की बर्बादी होगी और ज्यादातर आपका पैसा
बीमारियों में और दवाइयों में खर्च होगा। क्या उपाय करें? सबसे पहले तो घर के जाले हटाते रहिए, जहां भी जाले दिखें तुरंत हटाइए। जालों वाली जगह पर जब आप जाले हटा देते हैं तब वहां पर दीपक जलाकर दिखाइए या मोमबत्ती जलाकर वहां दिखाइए, ताकि वहां से निगेटिव एनर्जी हट जाए। रोज शाम को घर में हर कमरे में धूप बत्ती जलाइए, या जब पूजा करते हैं तो धूप बत्ती जला करके घर के हर कमरे में लेकर के घूमिए। पूजा के समय 3 बार शंख जरूर बजाइए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और दूसरी बात, आप बिल्कुल याद रखिए कि घर में जाले बिल्कुल मत रहने दीजिए, क्योंकि अगर आपके घर में जाले रहेंगे तो आर्थिक रूप से फाइनेंशियली आप कभी भी ठीक तरीके से नहीं रह पाएंगे। और आइए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होती जाएगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, रिश्तों की समस्या से बचाव करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं कि अगर हम घर में बहुत बार पौधे लगाते हैं लेकिन पौधे फलते फूलते नहीं हैं, तो इसका क्या कारण है? आप अपने घर में बड़े प्रेम से छोटे छोटे गमलों में लाके पौधे लगाते हैं, गमलों में पौधे रखते हैं, लेकिन पौधे लग नहीं पाते, पौधे बार बार सूख जाते हैं, क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है? देखिए, पौधे सबसे जल्दी किसी घर की ऊर्जा का स्तर महसूस कर लेते हैं। सबसे जल्दी घर की एनर्जी जिसको अनुभव होती है वो घर के पौधे हैं। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है तो पौधे नहीं लग पाएंगे। अगर कोई नकारात्मक व्यक्ति पौधे लगाएगा तो भी पौधे नहीं लग पाएंगे। अगर दोनों ही ऊर्जा है, निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है,
तो पौधे शुरुआत में लगेंगे और बाद में सूख जाएंगे। जहां पर जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं लग पाता, बार बार सूख जाता है, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। जिन घरों में तुलसी का पौधा नहीं लगता, उनको विशेष सावधानी और विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहां पर नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है। क्या उपाय करें कि पौधे भी लगें, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए? घर में धूप की और प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करिए। घर में धूप आता रहे और प्रकाश पर्याप्त रूप से आता रहे, दोनों वेला सुबह और शाम घर में दीपक जलाएं और शंख बजाएं। घर में गंदे कपड़े और कूड़ा कबाड़ इकट्ठा मत होने दें। घर से निगेटिव एनर्जी हटाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने घर की अमावस्या पर थोरोली अच्छी तरह से सफाई करें और घर में नियमित रूप से पूजा उपासना करते रहें। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी, पौधे आपके घर में आसानी से लगेंगे और फलेंगे भी और फूलेंगे भी। और आइए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, पुरस्कार सम्मान इस समय आपको मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता मिलेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में लापरवाही ना करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, बड़ों की सलाह मान करके चलें तो लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का तीसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न ऋतु बर्मन जी ने हमें लिखा है, झांसी उत्तर प्रदेश से लिखती हैं। 7 सितंबर 1984 का जन्म है, 7:30 प्रातः झांसी।
ये कह रही हैं कि इस उम्र तक पहुंचने के बावजूद मेरा विवाह अभी नहीं हो पाया है, मेरा विवाह कब तक होगा, और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, तो स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए। देखिए ऋतु जी, आपकी कुंडली में विवाह हो पाने की संभावना बहुत ज्यादा कमजोर है, लगभग न के बराबर है। फिर भी अगर आप चाहें तो इस साल के अक्टूबर से अगले साल के अप्रैल के बीच में प्रयत्न करके देख सकती हैं। प्रभु की कृपा हुई तो विवाह इस समय में हो सकता है, अन्यथा विवाह की संभावनाएं कुंडली में नहीं बनती हैं। आपको अपनी मानसिक स्थिति का, अपनी हड्डियों का और अपनी आँखों का विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इन जगहों पर आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें हो सकती हैं। दो उपाय करने की आपको आवश्यकता है, वो हम आपको बता देते हैं। पहला, एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार भगवान राम के मंत्र का जप करिए, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। सुबह शाम दोनों समय इस मंत्र का 108 बार जप करने से आपको लाभ होगा। और अब देख लेते हैं आज का अंतिम सवाल पंडित जी को किसने भेजा है। पंडित जी, आज का अंतिम सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का अंतिम प्रश्न अनिल विलेकर जी ने हमें लिखा है, गुजरात से लिखते हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 7 जुलाई 2009, 11:44 प्रातः, वडोदरा, गुजरात। ये पूछ रहे हैं कि इनका बेटा अभी 10वीं की पढ़ाई कर रहा है, आगे का उसका भविष्य, करियर और जीवन कैसा रहेगा। अनिल जी, आपके पुत्र की कुंडली के अनुसार आप अपने पुत्र को आगे कॉमर्स की पढ़ाई करवाइएगा, और कॉमर्स की पढ़ाई करवा करके मैनेजमेंट या फाइनेंस के क्षेत्र में अगर आप ले जाएं तो बहुत बेहतर होगा। आपका बेटा मैनेजमेंट, फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब बन सकता है, और इन क्षेत्रों में आपको अपने पुत्र के लिए प्रयास करना चाहिए। आपके पुत्र के लिए स्वास्थ्य का मामला थोड़ा महत्वपूर्ण है, खास तौर से सर्दी जुखाम और पेट की समस्या इनको परेशान कर सकती है, जिसका ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। फिलहाल आप अपने पुत्र को एक तांबे का छेद वाला सिक्का लाल धागे में डाल करके मंगलवार को गले में धारण करवा दें, और इससे कहें कि ये रोज सुबह 9 बार और रोज शाम को 9 बार गायत्री मंत्र अगर पढ़े तो इसका कल्याण होगा। और आइए अब जानते हैं जिनका जन्मदिन 25 अप्रैल 2024 को आने वाला है, उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 25 अप्रैल को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सफलता और स्थान परिवर्तन होगा, अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य पर इस साल ध्यान जरूर बनाए रखिएगा।
क्या करेंगे, पूरे साल भर केतु के मंत्र का जप करें, ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र का पूरे साल भर जप करें, आपका कल्याण होगा। और आइए अब जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि जिस समय सूर्य अस्त हो रहा हो, ढल रहा हो, क्या उस समय सोना अशुभ होता है, नहीं सोना चाहिए? देखिए, सूर्यास्त का जो समय होता है वो पूजा उपासना और ध्यान करने के लिए उत्तम होता है। इस समय पर भोजन करना और सोना शुभ नहीं माना जाता। अगर आप सूर्यास्त के समय सोएंगे या भोजन करेंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा और आपके जीवन में दरिद्रता आएगी। इसीलिए जब दिन छिप रहा हो, सूर्यास्त हो रहा हो, उस समय सोने से और भोजन करने से बचना चाहिए। और आइए अब जानते हैं 25 अप्रैल 2024 यानी कि बृहस्पतिवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 25 अप्रैल 2024 दिन बृहस्पतिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। संतान संबंधी जो भी आपकी समस्या है उन समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 25 अप्रैल बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और आइए अब जान लेते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए शुभ रंग कौन से होंगे। आज की गुडलक राशि है कन्या। इस राशि के स्वामी हैं बुध। इनके लिए हरा रंग और नीला रंग सबसे ज्यादा अनुकूल होता है। हरे और नीले रंग का ये जितना प्रयोग करें उतना ही इनके लिए बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज के महा उपाय का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय कौन सा है। जी, बहुत बार ऐसा होता है कि अपना बेटा अपनी बेटी भटक जाती है, गलत रास्ते पर चली जाती है, नशे की आदत, गलत संगति की आदत पड़ जाती है, भटकाव आ जाता है। तो अगर संतान भटक रही है, गलत रास्ते पे जा रही है, तो कैसे बचाएं उसे? अपने घर में पूजा स्थान पर पीले रंग के गणेश जी की स्थापना करिएगा। रोज सवेरे उन्हें दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें। इसके बाद ओम उमा पुत्राय नमः, ओम उमा पुत्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें। संतान की सद्बुद्धि की प्रार्थना करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो संतान का भटकाव समाप्त होगा, संतान को सद्बुद्धि आएगी और उसकी रक्षा होगी। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।